से कैसे बनाए जाते हैं? पैसे कैसे बनाए जाते हैं? वैसे तो बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं, पर बात ये है बहुत मेहनत लगती है। यू नो बहुत मेहनत तो दिखा रहा हूँ। बताओ बताओ, आज मेरे साथ तीन चार क्रिएटर्स मेहनत होती है। दूसरा वाला फोन किधर है? अच्छा देखो, मेहनत क्या लगती है, ये वाली मेहनत है बिल्कुल, और ये वाली मेहनत है आज, ये वाली मेहनत है, लेकिन ये वाला, ये वाली मेहनत है, ये बहुत मेहनत है, ये बहुत जो है ना, ये एक ही बंदा डायरेक्ट भी कर रहा है, शूट भी कर रहा है, क्रिएट भी कर रहा है, एंड देन वी आर एडिटिंग एज वेल, एंड देन वी आर पोस्टिंग एज वेल। द क्वेश्चन इज, वो तो सही है वो तो, बट द क्वेश्चन इज कुछ, मैंने कल जो मैंने चीजें देखी है, बिकॉज आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया, आई लव व्हाट यू गाइस डू, बट आई जेन्युइनली डोंट थिंक दैट नहीं कर सकता। मुझे अगर न्यूज़ भी लेनी होती है तो वो न्यूज़ की फीड्स बहुत दूसरी होती है, वो सोशल मीडिया की फीड्स नहीं होती है। तो लेकिन कल जो मैंने रबिश देखा है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। आई वॉज लाइक डूड, इट्स लाइक इट्स नाइस दैट आई एम नॉट देयर, बिकॉज द काइंड ऑफ न्यूसेंस आई सॉ, एंड उस न्यूसेंस पे जो, बिकॉज पैसे तो सही कामों के तो पैसे नहीं मिल रहे, 99% जो पैसे मिल रहे हैं वो न्यूसेंस के मिल रहे हैं। I think it really depends upon the content creators. Yes, that's what I'm saying. See, it really depends. अब आपने यहाँ पे काफी different हर बंदे को बुलाया, और हर जो content creator है वो एक different niche से belong करता है। आप लोग तो content create करते हो, मैं तो without content लोगों की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की बात नहीं कर रहा। मैंने जो कल देखा ना, उसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा। I'd really like to know, आपने क्या देखा? ना नो, नहीं नहीं, वो बताने का नहीं, आपको ब्रेक में बता दूंगा मैं, बट नो, आई जस्ट होप कि वो एल्गोरिथम के अंदर चला ना जाए और मेरी फीड पे वो शो ना होना शुरू हो जाए। असल में सर बात ये है, हमारी ऑडियंस ही, ये जो आप कंटेंट देख रहे हैं ना, वो देखना ही यही चाहती है। यहाँ आप शादी बजवा ले, ढोल बजवा ले, यूं आपकी रेटिंग ऊपर जाएगी। तो जहाँ इंफॉर्मेशनल कंटेंट होगा या कुछ बहुत ही अच्छा होगा, जो लोग इतना मेहनत करके बनाते हैं, फुल प्रॉपर शूट्स वगैरह, उसके व्यूज ही नहीं आते। मैं आपको कोई बता दूं, मुझे हैविंग फन, मुझे कोई इतराज नहीं। मैं रेडियो करता हूँ जिसके अंदर दो घंटे मैं बहुत सारी ऐसी बातें करता हूँ जो यूजुअली मैं नहीं करूँगा, मेरी अपनी पर्सनालिटी में नहीं है, लेकिन दो घंटे की एक बात को स्लिप इन करने के लिए, कि वो दो मिनट की जो एक बात है वो मैं स्लिप इन कर देता हूँ। अब वो चाहे कोई भी हो, मोटिवेशनल हो, एजुकेशनल हो, इंस्पिरेशनल हो, कोई भी एस्पिरेशनल हो, कुछ भी हो, तो मैं उसको स्लिप इन कर देता हूँ। इशू कहाँ आता है? इशू यहाँ आता है जब, अच्छा इस पर चूंकि हमारा ये शो नहीं है इसलिए हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे, और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जो ऑडियंस देखना चाहती है। हम ना ये नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छे हैं और हमारी ऑडियंस बहुत बुरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। जैसे हम हैं, जैसे जैसी कौम है वैसे हुक्मरान है, जैसी रूहें हैं वैसे फरिश्ते हैं।